हाय गाइस, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे हैं। चलिए आए करते हैं शुरुआत अपनी इस क्लास की। कल हमने जो क्लास की हुई थी वो मैंने थोड़ा सा कम समय में किया, क्योंकि मुझे एक अर्जेंट कॉल लेनी थी, ज़रूरी, तो मैंने उसको लिया। और उसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं फटाफट बताऊँगी, क्योंकि चीज़ें हैं शडल्ली हो ही जाती है। फिलहाल मेरा टारगेट अब इस बार का पहले ये है कि मैं पंचुअलिटी मेंटेन करूँ, कि वो चीज़ें एकदम रिलेवेंसी के साथ प्रॉपर होती रहे, फिर हम लोग अच्छे से तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आपने दो पेपर दे लिया है, आपको पूरा आइडिया है कि कैसे करना है, क्या करना, कब पढ़ना, कितना पढ़ना है, काफ़ी ओवरऑल व्यू आपके पास खुद का अपना एक्सपीरियंस है, करेक्ट। तो चलते हैं, देखते हैं। आज हम यहाँ पर आपका जो टॉपिक कल हम पढ़ रहे थे वही फिर कंटिन्यू करेंगे। उसके आगे के दो छोटे छोटे सेक्शंस बचे रह गए थे जो कि सेम पीडीएफ में है, तो मुझे बताना ज़रूरी था, इसलिए मैं आपको ये क्लास यहाँ पर दे रही हूँ जहाँ पर ये टॉपिक आपके डिस्कस किया। फिलहाल के एट द एंड ऑफ द मार्च ये हमारा हो रहा है, जो भी क्लासेस हो रही हैं अप्रैल से बहुत अच्छे तरीके से करेंगे क्लासेस, सो डोंट वरी। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में। प्लीज शेयर को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना ना भूलिए। कोई दिक्कत है तो पूछिए कॉमेंट बॉक्स में, अगर फीडबैक भी चाहिए मुझे देन कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट आएगा तो रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगी, ठीक है। जो टॉपिक हम स्टार्ट किए थे कि आपका पेपर वन का है, पेपर वन 50 नंबर का पेपर है, आप जानते हो डिटेल में काफ़ी कुछ दिया हुआ है। कुछ टॉपिक काफ़ी अच्छे हैं, कुछ टॉपिक काफ़ी अलग टाइप के हैं, बट हमें पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि पेपर कहाँ से आएगा ये हमें पता नहीं है, ठीक है। इसलिए अच्छे से मेहनत करिए, हार्डवर्क ज़रूर करिए। चलिए आइए देखते हैं उस दिन की क्लास, जिन्होंने नहीं देखी थी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, फटाफट जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इस क्लास के बाद देखिए, जो हमने उस दिन सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में पढ़ा कि क्या होता है, सतत क्या है, व्यापक क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों से कैसे क्या मतलब है, टीचर को इनको चीज़ों को क्यों पढ़ना, इनको क्यों जानना, या बच्चों को कैसे इसमें हेल्प करना, ये कई सारी चीज़ें एकदम मिक्स हैं, तो इनके बारे में आपको जानना होगा, समझना होगा, तभी आप चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो सतत व्यापक सतत मूल्यांकन क्या होता है, परिभाषा 101% आएगी। व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, 101% आएगी। सतत मूल्यांकन से बच्चों का विकास कैसे होता है, 100% पूछा जाएगा। व्यापक मूल्यांकन से बच्चों का कैसे आप एक अच्छे दर पर विकास कर सकते हैं, 3-4 पॉइंट लिखिए, संबंधित बातें लिखिए, ये भी आपको 100% आएगा ही आएगा। इनके उद्देश्य पूछ सकता है, सतत मूल्यांकन करने के पीछे का उद्देश्य क्या होता है, सतत मूल्यांकन की कोई 4 विशेषताएँ बताइए, व्यापक मूल्यांकन और इसमें सतत में समानताएँ बताइए, समानताएं अंतर, मतलब आप देख सकते हो कि अगर कोई भी टॉपिक बन रहा है इस पेपर में, पेपर वन में, पेपर टू में, दोनों काफ़ी सिमिलर है, और सिमिलरिटी के सेंस में ये है कि कोई नया टॉपिक अगर आ रहा है तो उससे संबंधित ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को आपको रिपीटेडली मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। देखिए, ये मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था सतत और व्यापक मूल्यांकन, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि ये चीज़ें इसके अंतर्गत ऐसे ऐसे है या ये होता है इसमें, फिर हम और आगे बढ़े, फिर मैंने आपको एक छोटे कॉन्सेप्ट ने मूल्यांकन के बारे में बताया कि मूल्यांकन पहले समझो कि एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े, दोनों के बीच में हमने मूल्यांकन और आकलन के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस भी समझा, उसको डिस्कस किया, फिर हमने सतत मूल्यांकन की एक प्रॉपर परिभाषा को पढ़ा, उसको देखा, ताकि अगर हमसे प्रॉपर पूछा जा रहा है तो हम उसका प्रॉपरली रिप्लाई कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के करनी होगी। फिर वैसे सेम मैंने आपको व्यापक के बारे में बताया, क्योंकि सतत की परिभाषाएँ तो आती हैं, लेकिन व्यापक की भी तो पूछी जाती हैं, तो इसको भी तो करना वाले काफ़ी नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब और एक बड़ा अच्छा टॉपिक। क्लास तो छोटी फिलहाल होगी, क्योंकि इसमें 2-3 टॉपिक उस दिन के पीडीएफ में रह गए थे, तो वो मुझे कवर करवाने थे, इसीलिए मैंने ये क्लास बैक टू बैक ली, किसी और सब्जेक्ट को नहीं लिया। आप सभी को बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा, टॉपिक लिखा हुआ है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय यह नहीं है। जब कभी भी हमसे मूल्यांकन से संबंधित बात पूछी जाती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक बात क्लिक करती है, वो होती है टेस्ट। ये ज़रूरी नहीं है, हर जगह के लिए सेम नहीं होता है, क्योंकि मूल्यांकन सिर्फ छोटे बच्चों का ही नहीं, बड़े लोगों का भी होता है। तो क्या आपसे जो बड़े हैं आप उनका टेस्ट लेंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं पॉसिबल है। तो ये थोड़ा सा समझना होगा कि इसका मतलब क्या नहीं होता। सतत और व्यापक मूल्यांकन परीक्षा का पर्याय नहीं है और ना ही बच्चों का नियमित परीक्षण है। मतलब अगर सतत मूल्यांकन की बात हो रही है या अगर व्यापक मूल्यांकन की बात हो रही है, तो ये कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए या सोचना चाहिए कि परीक्षा की बात कर रहा है। मतलब अगर मूल्यांकन का दिमाग में आया टॉपिक तो उसका मतलब एग्ज़ाम होगा, टेस्ट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो या रेगुलर परीक्षण हो रहा है, रेगुलर टेस्ट पर टेस्ट हो रहा है, डेली बेसिस, जी नहीं। तो इसलिए कभी भी इस चीज़ की
एक स्वरूप रेखा बच्चों के दिमाग में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर बच्चे डर जाते हैं। तो स्वतः व्यापक मूल्यांकन परीक्षा का जो पर्याय है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, नहीं बच्चों का नियमित परीक्षण। साथ ही साथ इसके बाद आप देखोगे इसका असर बच्चों को ग्रेड अंक देना, फेल पास का सर्टिफिकेट देना भी नहीं होता। मूल्यांकन से इस बात अगर उठती है, चाहे वो सतत की उठे चाहे वो व्यापक की उठे, ये कभी भी नहीं होना चाहिए या ये बात कभी भी नहीं आनी चाहिए कि बच्चे को नंबर देना है। समझ रहे हो कि बच्चे को ग्रेड देना, नहीं उसको पास का सर्टिफिकेट देना है, उसको फेल करना है, उसको और कुछ करना, नहीं नहीं ये बिल्कुल भी नहीं होता है। बच्चों को नाम देना जैसे मंदबुद्धि, कमज़ोर, होशियार, बुड़बक, नहीं ये चीज़ें क्या हो गई, ये कमेंट में आ गई। तो मूल्यांकन का मतलब ये भी नहीं होता है कि आपने अगर मूल्यांकन करना है किसी का या आप कर रहे हैं तो उनको आप ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें में बोलें, ठीक है। आगे बढ़ो, बच्चों को डर के दबाव के अध्ययन के लिए प्रेरित करना। मूल्यांकन मतलब ये थोड़ी होता है कि आप बोल तो टेस्ट होगा, ठीक है, मारेंगे, नंबर मिलेगा, जो पाएगा उसको ये देंगे वो देंगे, तो ये आप डर क्रिएट करके फिर अपने लिए ही मुसीबत करेंगे। तो फिलहाल के लिए जब आप टीचिंग के दौरान जा रहे हैं कहीं भी ऐसा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बच्चों की प्रगति की तुलना अन्य बच्चों से करना, जो लोग कंपेयर करते हैं बहुत सारे पेरेंट्स भी करते हैं, सबसे गलत काम ये नहीं करना। क्योंकि देखो हर लोग का, हर बच्चे का घर अलग होता है, माता पिता अलग होते हैं, उसकी समझने की, सोचने की, करने की क्रियाएँ, क्षमताएँ सब अलग होती। तो ये जो कहा जाता है कि अरे दो रोटी तो वो भी खा रहा है, दो रोटी तुम भी खा रहे हो, तो बहुत होता है, बहुत गंदी आदत। ऐसे पेरेंट्स भी बहुत आ रहे हैं जो ऐसा कहते हैं और इवन टीचर्स भी कहते हैं। इससे कंपटीशन की भावना कुछ लोगों में आती है, लेकिन ज़्यादा रेशियो में देखा जाता है तो लोग नफरत करते हैं, मार पिटाई होती है और काम खराब हो जाता है। तो मूल्यांकन अगर आप बच्चे का कर रहे हैं या सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, एज अ टीचर आप उस चीज़ को कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आग नहीं लगानी है, भड़काना नहीं है, दोस्ती नहीं तोड़नी है। आपको दोनों को साथ में इक्वली ट्रीटमेंट करते हुए दोनों को नए टॉपिक के साथ फैमिलियर कराना है और सिखाना है, ताकि बच्चे इन ऐसे टॉपिक्स को जब भी देखें या समझें तो उनसे डरे नहीं, ठीक है। समझ में आई बात, चलो ये यहाँ पर है क्योंकि इससे संबंधित सीटेट में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी आपको आंसर राइट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इनकी विशेषताएं और महत्व की। आएगा दो नंबर का सिंपल सीधा सा प्रश्न पूछेगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व क्या होता है। तब इसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के विकास के सभी पहलुओं का पता चलता है। अगर आप एज अ टीचर प्राइमरी में जा रहे हैं, कहीं पर भी हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, क्योंकि हम प्राइमरी के लिए काम कर रहे हैं, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों के जो डेवलपमेंट की बात है सभी पहलुओं का हमें पता चलता है। आप एनालिसिस कर रहे हो तो आप उसकी गुड हैबिट्स, बैड हैबिट, कहाँ पर प्रॉब्लम्स है, कहाँ पर उसे प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका अचीवमेंट किधर बढ़िया हो सकता है, एक्सपोजर किधर है, ये सारी चीज़ें हमें माइंड मेकअप में हो जाती है, क्योंकि इतना अनुभव हमें होता है। तो बच्चे के विकास के जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी पहलू होते हैं, उनका टीचर को इन आकलन के थ्रू, इन मूल्यांकन के थ्रू कह सकते हैं कि पता चलता है, ताकि वो उस डायरेक्शन में काम कर सके, उसको सिखा सके, उसको बता सके, उसकी गलतियों, उसकी कमियों को इम्प्रूव कर सकें। तो इसके द्वारा शिक्षक को सीखने के दौरान छात्र को होने वाली जो कठिनाइयाँ उनका पता चलता है। शिक्षक अनेक गतिविधि उपकरण के माध्यम से बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस को यूज़ करते हैं और ये पता करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, कहाँ उसको हेल्प की ज़रूरत है, हम उसको किधर गाइड करें, या वो गलत डायरेक्शन में जाके कहाँ पर बढ़िया सीखे, किधर उसका बेस्ट रिजल्ट हो सकता है। इस प्रकार से बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं, हाँ बिल्कुल बनाते हैं, बच्चा फिर रिलेट करता है। और जब आप किसी भी काम को कर रहे हैं उसमें उसको मज़ा आ रहा है, आपको खुद, आप उस सब्जेक्ट को, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है आप उसको ज़्यादा पढ़ते हो कि नहीं, सच बताना, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा पढ़ते हो या नहीं। ऑफकोर्स पढ़ते हो ना, तो ये बात ध्यान में रखो कि ऐसे बड़े और छोटे जितने भी हैं इक्वली सेम काम करते हैं। तो वैसे ही जब आप एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के काम करना होगा, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं और प्राइमरी में जाकर वो करना है, तो आपको उनके लेवल के हिसाब से वो चीज़ें करनी होंगी। क्लियर? ईच एंड एवरी वन गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू एवरी वन? आई थिंक सो इट इज ईजी। देखिए बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं, बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं। अगर आपने एक दो सेक्शन को अच्छे से पढ़ा है, समझ लिया है उसके सारे पार्ट्स, जो भी चीज़ें आ रही सब देखा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है अभी तक, चार्जिंग क्लासेस में आना है, क्लासेस कंटिन्यूटी हो रही हैं,
बन रही हैं धीरे धीरे, तो लाइक्स भी बनता है, आपके व्यूज़ भी बनते हैं। सभी फ्रेंड्स को टाइम बताइए, रात को 9 बजे आइए, टेलीग्राम को ज्वाइन रखिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट कराई जाएगी, क्योंकि क्लासेस आप लोगों की बहुत कम हुई हैं और देर बहुत हो रही है, कोर्स काफ़ी बड़ा है, तो दोनों लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग भी समय पर आए करें और मैं भी प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को अपडेट करते हुए करा पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई सभी की, चलिए जल्दी से करते हैं। अब देखिए, इतना तो हमने देख लिया, समझ लिया, आइए आगे बढ़ते देखते हैं और क्या है। कह रहा है इसमें महत्व की कुछ निम्नलिखित बातें भी हैं, ठीक है, इन कुछ पॉइंट्स भी हैं। हमें बड़े टॉपिक्स कम लिखने को आते हैं, हमें पॉइंट वाली चीज़ें या 3-4 उसमें बातें लिखनी, ऐसी चीज़ें ज़्यादा आती हैं। तो सतत व्यापक मूल्यांकन की विशेषताओं के जो महत्व वगैरह हैं उनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान से देख लो तो शायद आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पर है, ये छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है, जो बच्चे हैं ना उनके सीखने के जो प्रोसेस होते हैं उनको काफ़ी ईजी बना देता है, समझ में आए, उनको ईजी बनाएगा, उनको इस तरीके से बना देगा कि बच्चों के लिए काफ़ी आसान हो जाए। उससे बच्चा क्या करेगा, जितना आप सिखाएंगे उससे ज़्यादा खुद भी वो दिमाग लगाएगा, क्योंकि वो चीज़ें उसके लिए क्या पहले टफ थी तो वो उसे दूर भाग रहा था, आपने उसको आसान बना दी वो ईजी हो गई। छात्रों के द्वारा सीखने के क्रम में आने वाली कठिनाई पता लगती है, जैसे हम लोग कोई काम करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो आती है ना सभी के साथ, प्रॉब्लम्स आती है या नहीं आती है, बिल्कुल आती है, डेफिनेटली आती है, तो थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रख के काम करिए ताकि प्रॉब्लम्स ना हो आप सीख पाएँ। तो ऐसे छोटे बच्चे हैं, जब हम इतने बड़े हैं और हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें इतनी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है, तो छोटे बच्चों को तो हर सेकेंड प्रॉब्लम्स होगी, तो उनकी प्रॉब्लम्स को मीट आउट करिए, दूर करिए, सिखाइए, बेस्ट से बेस्ट करिए। उसके बाद इसके अलावा सीखने के दौरान छात्रों को होने वाली कठिनाइयों को कम किया जाता है, फिर जब अगर हम ऐसा कर रहे हैं डेली बेसिस पर कर रहे हैं, रोज़ कुछ नया सिखा रहे बता रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम्स उनके साथ आ रही हैं वो कम होंगी ना, बिल्कुल होंगी, तो वो चीज़ें आपको दिमाग में लेकर चलनी है, बच्चों को बतानी है, उनका विकास करना है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। जैसे उद्देश्य वगैरह पूछे तो लिख देना, इनके उद्देश्य मैंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिए हैं, इनका सतत और व्यापक मूल्यांकन के कोई 2 उद्देश्य बताइए, कोई 4 उद्देश्य बताइए, ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं, आपने देखा है, कोई नया नहीं है कि ऐसा नहीं आता है, आपको पता है। तो यहाँ पर है, विभिन्न विषयों में निश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगति को जानना, मतलब जैसे आप कोई एनालिसिस कर रहे हो तो सारे बच्चे सभी सब्जेक्ट में तेज़ हों ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, कोई किसी में तेज़ होगा, कोई किसी में तेज़ होगा, तो उस समय के दौरान उन चीज़ों को आकलन कर लेना, समझ जाना और उस पर फिर काम करना, उस पर मेहनत करना। बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनका पता लगाना कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्या चीज़ें हैं, उनको एनालिसिस करो, समझो, तो वो चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। प्रत्येक बच्चे के सीखने और समुचित विकास में रखा, बच्चा जो है क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है उसमें बेस्ट से बेस्ट डेवलपमेंट करवाना, सिखाना, बताना, ये उद्देश्य होता है और इसी उद्देश्य को टारगेट रखकर वो चीज़ें समझी जाती और बनाई जाती हैं। सृजनशीलता को बढ़ावा देना, बच्चों में सृजनशीलता भी होनी चाहिए, दूसरे के प्रति भी, खुद के प्रति भी, कोई काम कर रहे उसके प्रति भी, ये अहम भूमिका है, क्योंकि ये आपको लंबे समय तक कोई भी काम को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद करता है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों का पता, बच्चे की जो व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं वो कहाँ दिक्कत महसूस कर रहे हैं, आपसे वो बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पाए, जो भी चीज़ें हैं उनकी, उन प्रॉब्लम्स को देखना, उनकी ज़रूरतों को समझना, पता लगाना, ताकि वो आपकी काफ़ी हेल्प कर दें, तो इस तरीके से आपको काम करना होगा। बच्चों को सीखने में कठिनाइयों को दूर करने के लिए अध्ययन की उपयुक्त योजना बनाओ, बच्चे जैसे कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उनमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको अध्ययन करो, उनको एनालिसिस करो, उनको समझो, उनको देखो, उसी के हिसाब से आप प्लानिंग बनाओ, उसी के हिसाब से आप चीज़ों को एकोमोडेट करो, तो बच्चा भी प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को सीखने में मन लगाएगा और वो काफ़ी बेहतर होगा दोनों के लिए, कि कैसे आप एक बार आप प्रॉब्लम दूर करोगे, 2 बार करोगे, 3री बार वो चीज़ अपने आप शॉर्ट आउट होती जाएंगी। तो आपको कुछ ऐसी फील्ड में काम करना है जिससे बच्चे का वो विकास हो जाए। हम यहाँ तक हमने देख लिया, आगे देखे बच्चों की रुचि को जगाना, बच्चे के इंटरेस्ट पैदा करो, टीचर्स बहुत कुछ करते हैं, टीचर्स बहुत अच्छे रोल को प्ले करते हैं, तो आप उनमें इंटरेस्ट लाओ कि वो उस चीज़ को समझे, देखे, जाने, करें। फिर कक्षा में चल रही जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया उनको बेहतर बनाए, क्लास में सिखाना है, बताना है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ों को बेहतर बनाओ ताकि वो एक अच्छे तरीके से उस पर काम करें, उसको सीखें और बेस्ट से बेस्ट इंप्रूवमेंट लाएँ। बच्चों की परीक्षा के प्रति जो भय है, दबाव, उनको दूर करो, डर रहे हैं वो मैथ लगाने से, डर जैसे आप सब डरते हैं लगाएंगे तो आएगा,
देखिए, रही बात मेरे मैथ लगाने की, तो मैथ सॉल्व कर लो नॉर्मली हो जाता है, सॉल्व करना समझा लेना दोनों का भी फ़र्क होता है बहुत सारी चीज़ों का। और फिर मेरा इस वक्त बिल्कुल भी कोई यूज़ नहीं होता है, उन सारी फॉर्मूलोज को देखो करो, इस वजह से मैथ की क्लास में जो है दिक्कतें हो जाती हैं और लिखना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी। और थ्योरी का क्या होता है कि थोड़ा ईजी हो जाता है कि नहीं चलो ठीक है टॉपिक है समझा दिया बता दिया बच्चों को हेल्प मिल गई, ठीक है। इसलिए बोलती हूँ कि आप लोग सेल्फ स्टडी इस बार बहुत ज़्यादा करिए, आप लोग जितना सर मैं क्वेश्चन ज़्यादा करवाऊंगी, थ्योरी में जितना चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेरे से जितना हो पाएगा उतना मैं करवा रही हूँ, बट मैं क्वेश्चन ज़्यादा करवाऊंगी, इसलिए आपको बार बार बोल रही हूँ कि सेल्फ स्टडी खूब करिए, जितना हो सके उतना करिए, और जो टॉपिक दिक्कत कर रहा है फंस रहा है अटक रहा है वो वहाँ पर कॉमेंट करिए तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, आगे बढ़ो। अब बात कर लेते हैं इनके सिद्धांत की, इनके मूल्यांकन सिद्धांत क्या है। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीखने के प्रक्रिया के साथ साथ चलता है, जी हाँ दोनों। इसमें बच्चे के सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के बाद ही किया जाता है, उनको आप अपॉर्चुनिटी दोगे वो सीखेंगे काम करेंगे तब वो चीज़ें हेल्प करेंगी। बच्चे की प्रगति की तुलना स्वयं की पिछली प्रगति से ही की जानी चाहिए कि उसने पहले कितना सीखा था, क्या नया सीखा था क्या नहीं सीखा था, ये सब कुछ बताइए। फिर उसी के अनुसार हम उसको अलग अलग एक्टिविटी देते हैं, यूज़ करने को कहते हैं, काम करने को कहते हैं, हम एनालिसिस करते हैं ना कि उसे कितना आ रहा है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट देखा, सेकंड में उम्मीद होती कि नहीं ये बच्चा पास हो जाएगा। इसी तरीके से हर टीचर को कोई चीज़ समझानी है बतानी है करनी है दिखानी है तो वो भी इसी तरीके से एक एस्टिमेट बना लेते हैं माइंड में कि ये चीज़ें ऐसी हैं तो हेल्प कर जाएंगी, ठीक है। इनके क्षेत्र दो हैं, एक संरचना, एक संज्ञानात्मक है एक सहसंज्ञानात्मक है, ठीक है। यहाँ पर संज्ञानात्मक कहता है इसमें बच्चों को पढ़ाए जाने वाले जो विषय हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है, मानसिक विकास में बहुत हेल्प करते हैं। संज्ञानात्मक के क्षेत्र दो अलग अलग होते हैं, संरचनात्मक होता है योगात्मक, ये बता दूंगी क्योंकि कभी कभी आता है जो होता है, ठीक है। इंग्लिश में ध्यान दो, हिंदी में पेपर रहेगा, पर थोड़ा थोड़ा कभी कभी दो तीन लाइन थोड़ा अलग से पूछ ली जाती है, तो हमको भी हर तरीके से खुद की तैयारी करनी है। संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र किसे कहते हैं, क्या अभिप्राय है, प्रश्न आएगा तो आप भी इन चीज़ों को पढ़िए और रिलेट करके समझते चलिए। सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मतलब है इसके अंतर्गत सहपाठ्यक्रम गतिविधि जैसे खेल कूद भी होना चाहिए, योग होना चाहिए, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ सब कुछ शामिल होना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं हो, सिर्फ पढ़ाई में एनालिसिस करो, पढ़ाई में सब कुछ नहीं, सब कुछ होना चाहिए, ऑल टोटल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो संरचनात्मक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है इसके ऊपर होगी, ताकि पूरी चीज़ क्लियर बताते चलेंगे। जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेगा वो सिलेबस से अकॉर्डिंग हो रहा है, समय के साथ आप भी आइए हम भी आते हैं, क्लासेस की जाती हैं, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, आपका सेमेस्टर का एग्जाम भी बढ़िया हो जाएगा। ऐसे स्माइल करते रहो, 9 बजे डेली मिलो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।